हल्द्वानी के बनफूलवीरा इलाके में 5 ऐसी बस्तियां थी जिसमें 4000 से ज्यादा घर मौजूद थे, जिसे रेलवे ने नोटिस दे दिया था कि इस पर तोड़ा कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 1 महीने का। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये तोड़क कार्रवाई होनी थी। लोगों के चेहरे पर खुशी है, दुआओं का दौर जारी था और दुआ भगवान ने कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आज और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो इनके पक्ष में आया। हालांकि 1 महीने की राहत जरूर मिल गई है। इस वक्त हम लाइन नंबर 17 और 18 में मौजूद हैं। यहाँ पर भी तोड़क कार्रवाई होनी थी और ऐसे में दोनों तरफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्डिंगें हैं, सरकारी स्कूल है, बैंक है और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर तोड़क कार्रवाई होती 8 तारीख से तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग बेघर हो जाते और क्योंकि इनके पास वो तमाम दस्तावेज, ऐसे कागजात मौजूद हैं जो ये प्रमाण देते हैं इनके मुताबिक कि यहाँ पर इनके पूर्वज या कहें कि इनके बुजुर्ग पिछले 100 सालों से यहाँ पर रह रहे थे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे इन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि 1 महीने का स्टे लग गया है और राज्य सरकार और रेलवे से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कर्मन कालीकार के साथ दीपक दुबे, News 24 हल्द्वानी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।